तो दोस्तों आज 6 जुलाई 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। दोस्तों वीडियो को बिना देर किए हुए बात करेंगे आज की ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दे, आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा दिल्ली में खुला मात्र 11 दिन के अंदर सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा एयर इंडिया के फ्लाइट को मिली इजाजत दोबारा से उड़ान भरने की। इन सभी ताजा खबरों को हम अपनी वीडियो में बड़े ही विस्तार से बताएंगे। और दोस्तों आपको बता दे, आज की इस वीडियो में और भी कई बड़े बड़े मुख्य समाचार हैं, जिसके बारे में आपका जानना काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर आखिर तक बने रहे। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिना देर किए हुए बात करेंगे आज की पहली खबर की। दिल्ली में खुला दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल, महज 11 दिन में हुआ तैयार। दोस्तों आपको बता दे, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में देश का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल खोला है। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया है। और दोस्तों आपको ये भी बता दे, इस हॉस्पिटल का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल है। और दोस्तों इस कोविड केयर सेंटर का निर्माण गृह मंत्रालय, DRDO और टाटा संस की मदद से किया गया है। और दोस्तों आपको ये भी बता दे, यह हॉस्पिटल अस्थाई है। इसकी खास बात यह है कि यह मैच 11 दिन में बनकर तैयार हुआ है। इस कोविड केयर सेंटर में 250 ICU वार्ड बनाए गए हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दे, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र है। इसका आकार फुटबॉल के करीब 20 मैदानों के बराबर है। यह केंद्र 1700 फुट लंबा और 700 फीट चौड़ा है। और दोस्तों आपको ये भी बता दे, दिल्ली के छतरपुर में स्थापित राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 10,000 बिस्तरों की क्षमता वाला सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र खोला गया है। और दोस्तों इसका निर्माण एयरपोर्ट के पास किया गया है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए भी बता दे, यह केंद्र मामूली या बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस मरीजों के लिए है। यह बिना लक्षण वाले उन संक्रमित लोगों के लिए उपचार केंद्र है जिनके घर पर अलग रहने का इंतजाम नहीं है। और दोस्तों आपको ये भी बता दे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस को केंद्र संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। इस केंद्र के संचालन के लिए नोडल एजेंसी ITBP होगी, जबकि दिल्ली सरकार प्रशासनिक मदद देगी। आपको ये भी बता दे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हॉस्पिटल का दौरा कर वहां के इंतजामों का जायजा लिया है। और इसमें 200 ऐसे परिसर हैं और हर एक में 50 बिस्तर हैं। बात करेंगे आज के अगले खबर की। केरल में एक साल तक लागू रहेगा कोरोना से बचाव के दिशा निर्देश, ऐसा करने वाला पहला राज्य। दोस्तों आपको बता दे, केरल में ये दिशा निर्देश 31 जुलाई 2021 तक जारी रहेंगे। ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। और इसके दौरान किसी भी प्रकार की सामाजिक सभा, प्रदर्शन, जुलूस समेत किसी भी भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम बिना संबंधित अधिकारी की लिखित अनुमति के आयोजित नहीं किए जाएंगे। और दोस्तों आपको ये भी बता दे, अनुमति मिलने पर भी ऐसे कार्यक्रमों में 10 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की भी इजाजत नहीं होगी। दोस्तों दिशा निर्देशों के मुताबिक अब लोगों को अगले साल 31 जुलाई तक कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। इसमें सभी स्थानों पर मास्क पहनना और 6 फुट की सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा। दोस्तों राज्य सरकार के आदेश के अनुसार इस दौरान विवाह कार्यक्रमों में जहां 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले खबर की। ताजमहल का दीदार करने के लिए करना होगा अभी और इंतजार। दोस्तों आपको बता दे, खूबसूरत इमारत ताजमहल को अभी बंद रखा जाएगा। आगरा में बढ़ती कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या के चलते स्मारकों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। और दोस्तों आपको भी बता दे, DM प्रभु एन सिंह ने रविवार को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया है कि कोरोना संक्रमण के बफर जोन में होने के कारण इन्हें नहीं खोला जा सकता है। दोस्तों संक्रमण कम हो जाने पर फिर से इसकी समीक्षा होगी। बात करेंगे आज के अगले खबर की। सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन किए सस्ते, गैलेक्सी A31 A21 के दामों में कटौती। दोस्तों आपको बता दे, सैमसंग ने हाल ही में अपने कई नए स्मार्टफोन देश में लॉन्च किए हैं। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया
आरबीआई कंपनी ने ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के इरादे से अपने कई हैंडसेट पर ऑफर का ऐलान भी किया है। आइए जानते हैं सैमसंग ने किन स्मार्टफोन के दाम घटाए हैं। दोस्तों आपको बता दे, उनमें गैलेक्सी A50s, गैलेक्सी A21, गैलेक्सी A31 और गैलेक्सी नोट 10 लाइट शामिल है। दोस्तों अगर आपको इन तीनों हैंडसेट के कीमत और स्पेसिफिकेशन देखने हैं तो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप बड़े आराम से इसके स्पेसिफिकेशन और कीमत देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले खबर की। पंजाब और राजस्थान में कैंसिल हुए यूनिवर्सिटी एग्जाम, अगली क्लास में प्रमोट होंगे स्टूडेंट। दोस्तों आपको बता दे, राजस्थान और पंजाब सरकार ने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के एग्जाम कैंसिल करने का ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दे, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए पंजाब और राजस्थान सरकार ने अपने अपने यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम नहीं कराने का फैसला किया है। दोनों राज्यों के सरकारों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को बिना एग्जाम के ही अगले क्लास में प्रमोट करने की बात कही है। दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं चीनी बीमारी के आंकड़े पर पूरी दुनिया भर से। चीनी बीमारी टोटल मरीजों की संख्या हुई 1,14,75,771, इनमें से 5,35,159 की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों 65,01,677 मरीज ठीक हो चुके हैं। बात करेंगे संक्रमित मरीज की तो दोस्तों 44,38,935 मरीज संक्रमित है। तो दोस्तों ये ताजा अपडेट था पूरी दुनिया भर का। आइए बात करेंगे अपने देश भारत की, बिल्कुल ताजा अपडेट चीनी बीमारी का। दोस्तों ताजा अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में चीनी बीमारी के 23,187 से भी ज्यादा मरीज आए हैं। आपको बता दे, बढ़ोतरी के साथ हमारे भारत में चीनी बीमारी की टोटल संख्या 6,97,091 है, इनमें से 19,700 की जान जा चुकी है अब तक। आपको बता दे, बीते 24 घंटे में 420 की जान जा चुकी है। आपको बता दे, जो 6,97,091 मरीज हैं, इनमें से 4,24,885 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं बात करेंगे पिछले 24 घंटे की तो 15,820 मरीज ठीक हुए हैं। भारत में अब जिन लोगों का इलाज चल रहा है यानी चीनी बीमारी से संक्रमित हैं, उनकी संख्या 2,52,423 है। तो दोस्तों ये ताजा अपडेट था हमारे भारत का। बात करेंगे आज के अगले खबर की। एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए फ्लाइटें चलाने का किया ऐलान, 6 जुलाई से होगी टिकटों की बुकिंग। दोस्तों आपको बता दे, राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत 11 से 19 जुलाई 2020 तक अमेरिका के लिए फ्लाइटें चलाने का ऐलान किया है। भारत और अमेरिका के बीच कुल 36 फ्लाइटें चलाई जाएंगी। और दोस्तों आपको भी बता दे, इन फ्लाइटों के चलाए जाने से कोरोना वायरस के चलते अमेरिका में फंसे भारतीय अपने देश वापस आ सकेंगे, वहीं भारत में फंसे लोग भी अमेरिका जा सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले खबर की। मिजोरम में लगे भूकंप के झटके, तीव्रता 4.6 मापी गई। दोस्तों आपको बता दे, मिजोरम में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राज्य के चंफई से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आज शाम 5:26 पे भूकंप के झटके लगे हैं। और दोस्तों आपको भी बता दे, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। दोस्तों हालांकि भूकंप के कारण अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। बात करेंगे आज के अगले खबर की। कोरोना वायरस के चलते छत्तीसगढ़ में बार और क्लब रहेंगे 12 जुलाई तक बंद। जी हां दोस्तों आपको बता दे, छत्तीसगढ़ में बार और क्लब अब 12 जुलाई तक बंद रहेंगे। सरकार ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल, बारों और सभी एफएल क्लब में स्थित बार रूम, स्टॉक रूम और क्लब में स्थित मदिरा संग्रहण स्थल को बंद रखने का आदेश जारी किया है। बात करेंगे आज के अगले खबर की। अगर आपके फोन में है ये 25 ऐप तो तुरंत कर दे डिलीट, हो सकता है नुकसान। दोस्तों आपको बता दे, दुनिया भर में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को देखते हुए गूगल ने कई ऐप को पहले से ही प्ले स्टोर से हटा दिया है। एक बार फिर गूगल ने 25 ऐप को प्ले स्टोर से ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों आपको बता दे, साइबर सिक्योरिटी फर्म ने गूगल को इन ऐप को लेकर अलर्ट किया था, जिसके बाद कंपनी ने ये कदम उठाए हैं। ये ऐप यूजर्स की फेसबुक लॉगिन डिटेल्स को चोरी कर लेते हैं। इसमें ज्यादातर फ्लैशलाइट ऐप, फाइल मैनेजर, वेदर ऐप, स्क्रीनशॉट जैसे कई तरह के ऐप शामिल है। इन 25 ऐप को अब तक कुल मिलाकर 2 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। दोस्तों अगर आप उन 25 ऐप की नेम लिस्ट देखना चाहते हैं तो हम आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेम लिस्ट दे देंगे, वहां जाकर आप बड़े आराम से उन 25 ऐप के बारे में देख पाएंगे। तो दोस्तों 6 जुलाई की बस यही ताज़ा खबरें थी और मुख्य खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि आपको इन खबरों से काफी जानकारी मिली होगी। बस दोस्तों हम आप लोगों से इस वीडियो के बदले इतना ही चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। और दोस्तों रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।